नमस्कार, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले तो फॉलोअप के जितने भी दर्शक हैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा है कि जैसे ही पूजा की शुरुआत होती है तो हम सभी के मन में बहुत असमंजस हो जाता है, बहुत तरीके कंफ्यूजन जो है वो होने लगते हैं कि भाई कैसे पूजा करें कि माँ खुश हो, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और धार्मिक मामलों में अच्छी पकड़ है इनकी, अच्छी ज्ञाता है और आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत फॉलोअप में। नमस्कार आपको। सर, पूजा की शुरुआत हो रही है, लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस विधि से पूजा करें, आज कौन सी माँ का की पूजा है, किस तरीके से पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे सर, आज किस माता की पूजा होती है और उन्हें हम किस विधि से पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये शक्ति की उपासना का पर्व है और माँ शक्ति जो है उनके नव रूप हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों की उनकी पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम तो नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। तो यह नवदुर्गा है, नौ दिन नवरूप और नव की पूजा। पहली बात तो जो भी भक्त है या जो भी साधक है, पहले तो उसे भय से मुक्त हो जाना चाहिए। ये जो भय है ना कि कहीं गलती हो गया तो माँ अप्रसन्न हो जाएगी, माँ वो नाना प्रकार के कष्ट दे देगी, ऐसा नहीं है। वो माँ है, माँ कभी अपने बच्चों से रुष्ट होती है? माँ के सामने अगर बच्चा कोई गलत भी करता है तो माँ जो है वो प्रसन्न होकर के उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है और उसे गोद में उठा करके बहुत प्यार करती है। तो यह तो शक्ति की प्रतीक है, यह तो साक्षात जगदम्बा है। जगदम्बा संसार का पालन पोषण करने वाली, उससे क्यों भय खाना। जगदगुरु शंकराचार्य का नाम आपने सुना है, उनके द्वारा एक रचित जो है, जो सारे लोग जो है उनकी रचनाओं को जो है, जो भी दुर्गा पाठ करते हैं, जो भी दुर्गा की उपासना करते हैं, वो पढ़ते जरूर है। अगर वो ना पढ़ें तो समझिए कि उनका वो पाठ पूरा ही ना हो। क्या है वो, जरा ध्यान दीजिएगा उसको, नमंत्रम नो यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति बहु, न चाहवानम ध्यानम तदपि चन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि चन जाने विलपनम, परम जाने माता स्पदनुसरणम क्लेश हरणम। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, शंकराचार्य कहते कि ना तो मैं मंत्र जानता हूं और न यंत्र जानता हूं। तुमको प्रसन्न करने के लिए यानी भगवती तुम्हारी कृपा हमारे पर बरसे, इसके लिए ना तो मुझे मंत्र है मेरे पास है, न यंत्र है, न मंत्रम न यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति। ओह, मुझे तो तुम्हारी स्तुति करना भी नहीं आता। कौन कह रहा है? जगदगुरु शंकराचार्य, कि मुझे तो स्तुति भी करना नहीं आता तुम्हारा, कि तुम कैसे उन स्तुतियों से प्रसन्न हो जाती हो। न चाहवानम ध्यानम, मैं तो चाह करके भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगा पाता। नचावानम ध्यानम तत्पे चन जान स्तुति कथा, मैं तो तुम्हारी स्तुति और कथाओं को भी नहीं जानता। न जाने मुद्रास्ते, मैं तो तुम्हारी उन मुद्राओं को भी नहीं जानता कि तुम कब हंसती हो, कब क्या करती हो। न जाने मुद्रास्ते तत्पे चन जाने विलपनम, और मुझे तो रोना भी नहीं आता। तो क्या आता है? परम जाने माता स्तर अनुसरणम क्लेश हरणम। लेकिन इतना मालूम है कि केवल तुम्हारा अनुसरण करने से, केवल तुम्हारे पीछे पीछे चलने से, केवल तुमको भजने से, केवल तुम्हारी आराधना करने से, केवल तुम्हारे प्रति भाव को प्रकट कर देने से तुम अति प्रसन्न हो जाती हो। तो बताइए,
इसमें असमंजस, इसमें भय कहाँ से आता है। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर सही मायने में वो साधक है, वो भक्त है, या पहली बार आराधना करने के लिए निकल पड़ा है, तो पहले तो भय को किसी खूटी पर टांग देना चाहिए, तुम वहीं रहो, और प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही प्रसन्न होकर, चाहे उसके पास पूजा की सामग्री हो या ना हो, प्रसन्न हो जाए कि आज मुझे मां की आराधना करनी है। ध्यान से मां की आराधना करें। अगर आपके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है, कोई बात नहीं, मां को क्या चाहिए। मैं आप ही से पूछता हूं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी भी मां है? बिल्कुल। मां आपसे कभी कुछ मांगी है? नहीं। और आप मां से मांगती है कि नहीं? एकदम। और वो देती है कि नहीं? एकदम। तो जो जगदम्बा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जगदात्री है, जो सारे संसार को धारण करने वाली है, वो हमसे क्या मांगती है? कभी कुछ मांगी है क्या कि ये दो वो दो तब हम तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। वो तो हम जो है यह सोच लेते हैं कि माँ को ये पसंद होगा तो हम ये देंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप देंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, ना देंगे तो भी प्रसन्न, लेकिन भाव भाव श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके पास श्रद्धा का पिटारा है, भाव का पिटारा है, तो फिर कहना क्या है। एक प्रसंग है, ध्रुव को कहा गया कि तुम, उसकी माँ ने कहा कि अरे तुम कहाँ पड़े हुए हो पिताजी के गोद में बैठने के लिए, अगर तुमको गोद में बैठा तो भगवान परमपिता परमेश्वर नारायण के गोद में बैठने की कोशिश करो। और ध्रुव नारायण की खोज में निकल पड़ा। तो ध्रुव क्या रूढ़ी सिंदूर फूल माला कसैली अगरबत्ती हमारा दरबा चावल कच्चा धागा छुट्टा पान रुई कपूर लवंग इलायची दूध दही मस्त शक्कर घी लेकर गया था क्या? वो तो सीधे गया जंगल में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगा और नारायण उसके समक्ष आ गए और अपने गोद में बिठा लिया। तो उसी प्रकार आप भी क्या करिए, जो भी साधक है वो बस अपने हृदय के भाव को निकाल करके माँ के समक्ष रख दे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो बोले अथवा ना बोले। तो पहली बात आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि भय मुक्त हो जाए, प्रसन्न होकर के मां की आराधना का संकल्प करे। आपका दूसरा सवाल था कि कैसे जो है वो पूजा करनी चाहिए। इसी सवाल से सर आपने कहा, तब एक सवाल निकल रहा है, आपने दुर्गा सप्तती का नाम लिया कि उसमें सिद्ध साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रथम जलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, उसी सब दुर्गा सप्तती के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है वो, कैसे उसमें पाठ करें, उसमें अलग अलग भाषाएं होती है तो क्या हमें हिंदी में करनी चाहिए, संस्कृत में करनी चाहिए? पहला तो ये कि दुर्गा सप्तती पाठ है क्या। देखिए दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है जिसमें माँ की आराधना के उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। सप्तशती नाम है दुर्गा सप्तशती, तो सप्तशती का मतलब होता है सप्त मतलब सात, असती मतलब सौ, यानी उसमें 700 श्लोक हैं दुर्गा के, है ना। तो उससे आराधना की जाती है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास समय है, तो समय है तो ठीक है करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं होता, फिर भी वो चाहते हैं कि माँ की आराधना करें। और चूंकि यह शारदीय नवरात्र है, ऐसे तो नवरात्र चार होते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में दो नवरात्र की जो है वो खूब चलती है, एक वासंती नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। तो शारदीय नवरात्र हो या वासंती नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो, दो गुप्त नवरात्र भी होते हैं, तो कोई भी नवरात्र हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर रहे तो बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशती तो संस्कृत में लिखा हुआ है लेकिन उसका अर्थ हिंदी में दिया हुआ है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती हिंदी में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संस्कृत आती है तो संस्कृत में करिए, बहुत अच्छा है। अगर संस्कृत नहीं भी आती है
प्रयास कीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि अभी जैसे आज ही की घटना मैं बताता हूँ, एक साधक ने हमें फ़ोन किया और कहा कि ऐसा है कि मेरे पास तो दुर्गा सप्तशती है, मैंने आज खरीद लिए भी लिया है, मैं क्या करूँ, हिंदी में पढ़ूँ या संस्कृत में पढ़ूँ। तो मैंने उसे पूछा, आपकी इच्छा क्या, किस भाषा में पढ़ने की है, आपकी इच्छा, आपकी भावना, जैसे पढ़े। तो नहीं ना, ऐसा है कि संस्कृत में पढ़ने से तो अशुद्धियां होंगी और अशुद्धियां होने से तो फल तो सही मिलेगा नहीं, कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताइए, आप माँ के सामने क्या हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं या बच्चे हैं। तो लेकिन मैं तो बच्चा हूं। तो मैंने फिर दूसरा सवाल उनसे किया कि आप कभी किसी बच्चे को, या आप कभी बच्चे भी रहे होंगे, हो सकता है कि आपको उतना याद ना हो, लेकिन कभी छोटे बच्चे को देखा है वो माँ से कहता है मामा हमें लड्डू चाहिए। Exactly. वो लड्डू नहीं बोल पाता, वो लड्डू लड्डू बोलता है, लड्डू चाहिए, और माँ समझ लेती है कि बेटा उसे लड्डू मांग रहा है, और झट से लड्डू उसके हाथ में थमा देती है माँ। तो उसी प्रकार से आप बनिए, अपने आप को ज्ञानी अगर मान करके चलेंगे तो गलतियां होंगी और आपको उसका पश्चाताप भी करनी चाहिए। लेकिन जब आप बच्चे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो फिर आपकी कोई गलती मायने नहीं रखती। मैंने पहले आपको कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति महो, न चाहवाणम ध्यानम तदपि चन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि चन जाने विलपनो, परम जाने माता तदनुसरणम क्लेशहरम। परंतु इतना जानता हूं कि माँ की केवल तुम्हारा अनुसरण करने से क्लेश खत्म हो जाता है, कष्ट खत्म हो जाता है, सारी संकटों का निवारण हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग को हिंदी नहीं आती, लोग सही सही नहीं पढ़ पाते, आप हिंदी पढ़िए ना, उसमें भी गलतियां होंगी। तो ऐसा क्या है कि संस्कृत में पढ़ेंगे तो गलतियां हो जाएगी तो माता जो माफ नहीं करेंगे, और हिंदी में गलती हो जाएगी तो माँ माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर माँ माफ नहीं करने के मूड में है तो जैसे भी करिएगा माफ नहीं करेंगे, लेकिन माँ तो हमेशा माफ करती है बच्चों को, है ना। तो इसी तरह से मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम संस्कृत में करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए हिंदी ही सहज है, हिंदी में करिए। अगर दोनों नहीं आता है तो हाथ ही जोड़ लीजिए और कहिए कि हमें वो भी नहीं आता परंतु इतना आता है कि मैं आपके आगे सर झुका रहा हूं, मेरे भाव को आप स्वीकार कीजिए, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए, हमारे अंदर जो भावनाएं जो उमर घुमर करके जो है बरस रही है उस पर कृपा कीजिए, उतना ही काफी है। तो अभी तक जितना हमने सर से पूछा है उससे यही पता चला है कि माँ जो है भाव की भूखी है, बस। बहुत ज्ञानी नहीं है हम, वैसे तो माँ के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें जितना आता है कम से कम उसके हिसाब से हमें माँ के सामने सिर्फ अपना सिर झुका दें तो माँ खुश हो जाती है। बहुत। अब आपका एक, आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई कलश स्थापना है तो कैसे करें, किस विधि से करें और क्या मुहूर्त है। सर, कलश स्थापना है, कैसे करें, क्या करें, किसी को कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, जिसको जैसे आता है वो वैसे करता है, लेकिन फिर भी एक विधि से लोग चलते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, हमें कैसे शुरुआत करें उसकी, कैसे पूर्ण हो। देखिए, ज्यादातर देखिएगा, किसी से भी पूछिएगा, किसी ब्राह्मण से जो जानकार है तो बोलेगा कि कलश स्थापन जो है अभिजीत मुहूर्त में होता है। लेकिन वही पंडित जी से पूछिए, ये पंडित जी आपके जितने यजमान हैं सबके यहाँ अगर पूजा हो तो सब उसी मुहूर्त में कर दीजिएगा, तो मुस्कुरा करके रहे, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि एक ही ब्राह्मण एक ही मुहूर्त में सब जगह उपस्थित हो जाए, या उसके पास इतनी वो वेदाभ्यास नहीं है, वो महर्षि वशिष्ठ नहीं है कि योग बल के द्वारा अपने आप को जो है सब जगह प्रस्तुत कर देगा और कहेगा कि हाँ लीजिए आपका दुर्गा सप्तशती का हम जो कलश स्थापन करवा रहे हैं। तो अगर आपको पता है, अगर आप स्वयं जानकार है, ज्यादा विद्वान है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जानकार नहीं है, उतना ज्ञान आपको नहीं है,
तो आप आराम से अपने आप को अबोध जानकर माँ से क्षमा याचना करते हुए आप जो है प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापन के लिए जो सामग्रियाँ आपने ले रखी हैं, जैसे होता है ना पूजा पाठ की जो सामग्रियाँ होती हैं वो, तो रोड़ी, सिंदूर, फूल, माला, कसेली, अगरबत्ती, महादरवा, चावल, कच्चा धागा, छुट्टा पान, लवंग, इलायची, जौ, तिल, ये सब होते ही हैं, तो वो ले लीजिए। और सर्वप्रथम तो गणेश अंबिका का पूजन करना ही है आपको, फिर कलश स्थापन करिए, नवग्रह, इंद्रादिश, दिक्पाल देवताओं का पूजन करिए, विभिन्न प्रकार से पंचोपचार या षोडशोपचार से अगर आपको है जिस प्रकार से है आप पूजा करिए, लेकिन उसके पहले संकल्प करना जरूरी होता है कि आप किस लिए ये व्रत कर रहे हैं, किस लिए पूजा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो दो प्रकार का होता है, एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं अपने सिद्धि के लिए, या कुछ उनकी कामना रहती है कि हमको ये प्राप्त हो जाए उसके लिए, और कुछ निष्काम भाव से करते हैं। तो उस प्रकार से संकल्प कीजिए, एक अच्छी जगह पर माँ की प्रतिमा, अगर प्रतिमा नहीं है तो कैलेंडर ही है, उसको स्थापित कर लीजिए और विधिवत पूजा करिए। पूजन करने के बाद दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़िए। दुर्गा सप्तशती जो है वो पुस्तक जो वो तीन चरित्र में है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। अगर आपके पास समय है तो तीनों चरित्र पढ़िए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करिए। तब आप कहेंगे कि मध्यम चरित्र कौन सा होता है, तो आप ये जान लीजिए प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय होता है, और मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और उत्तर चरित्र में पांचवें से लेकर के तेरहवां अध्याय होता है। बात समझ आ गई आपको? वैकृतिकम रहस्यम अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या कोई भी साधक अगर मां की आराधना करना चाहता है तो तीनों चरित्रों के स्तवन के द्वारा करे, और अगर उसके पास समय नहीं है तो केवल एक चरित्र का पाठ करके वो अपना। तो क्या एक अध्याय में पूरी बात आ जाती नहीं, नहीं नहीं, एक ए, एक ए, 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 एक अध्याय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक चरित्र। हाँ, तो एक चरित्र का मतलब ये नहीं कि आप केवल प्रथम चरित्र पढ़ लीजिए, तो प्रथम चरित्र में केवल एक पहला अध्याय आता है, तो नहीं, वो कहता है केवल मध्यम चरित्र मध्यम चरित्र आपको पढ़ना है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, दुर्गा सप्तशती जो पहला से लेकर के तेरह अध्याय तक है वो तीन चरित्र में विभक्त है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और उत्तर चरित्र में पंचम से लेकर के तेरह अध्याय तक आता है। तो वैकृतिकम रहस्य में साफ लिखता है, वैकृतिकम रहस्य साफ कहता है, क्या कहता है कि अगर आपको माँ की आराधना करनी तो तीनों चरित्र से करिए, और नहीं तो केवल एक चरित्र से करिए, और वो सिर्फ मध्यम चरित्र होना चाहिए, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। तो यही नहीं कि आप जैसे अगर दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय केवल पढ़ लेंगे तो आपकी की आराधना जो है पूरी हो जाएगी, नहीं, उसके पहले आप दिव्या कवचम, अर्गला, कील पढ़ें, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ें, और उसके बाद जो जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा विरंचित जो है नमंत्र मनो यंत्रम तत्पिचन जाने स्तुतिमो, उसे पढ़ें, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैंने तो इस पर रिसर्च भी किया है, शोध भी किया है, मैंने बहुत लोगों को बताया भी है, और लोग लाभान्वित भी हुए हैं। कितने लोगों को तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार जो आदत लगी वो छोड़ ही नहीं रहे, सालों भर पढ़ते हैं, वो तो सीधे कहते हैं कि हमको इतना पढ़ने में, शुरुआत में तो पहले 30 मिनट लगते थे, लेकिन अब धीरे 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 धीरे, चूंकि अब कंठस्थ भी हो चुका है, तो हमको 20 मिनट लगते हैं।
लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि हमको किसी प्रकार का अब तक कोई कष्ट भी नहीं हुआ। और कभी कभी लगता है कि विपत्तियों में हम घिर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि कोई शक्ति है जो हमें उन विपत्तियों से मुक्त कर रही है, निकाल रही है। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक या कोई भी भक्त अगर वो आराधना करना चाहता है माँ की, तो मध्यम चरित्र के पाठ से करे। सर, कई जगह इस बार सुनने मिल रहा था या अखबारों में भी पढ़ने मिल रहा था कई जगह पर, इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, इस बार जो है सुख समृद्धि लेकर आ रही है, कैसा है इस बार का नवरात्र? देखिए, नवरात्र हमेशा से अच्छा रहा है, नवरात्र कभी भी खराब नहीं रहा है। सबसे सुंदर सा आपको मैं प्रयोग के तौर पर आपको बता देता हूँ। कल सवेरे उठिएगा और सोचिएगा कि आज का दिन हमारा बहुत खराब जाएगा। जैसे सवेरे उठे ना, आँख खोली और आज का दिन लगता है बहुत खराब जाएगा, आप निश्चय ही देखिएगा कि पूरा दिन आपका खराब जाएगा। और उसके ठीक दूसरे दिन एक प्रयोग करके देख लीजिए, और सवेरे उठे उठे कि आज खिलखिला करके हंसते हो, लेकिन आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, आप निश्चय ही देखिएगा कि वो दिन आपका बहुत ही सुंदर तरीके से गुजरा। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। माँ तो हमेशा जो है किसी न किसी वाहन पर आएंगी ही और माँ किसी न किसी वाहन पर जाएंगी ही, यह तो परंपरा बनी हुई है। वो तो दिन बना हुआ है, उसको देख करके जो है कोई पंडित जी या कोई ब्राह्मण या कोई जानकार बता देता है कि इस बार इस सब वाहन पर आएंगे और इस वाहन पर जाएंगे, है ना। तो पहली बात कि हम लोग को इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। ये मैंने फिर पहले आपने बहुत अच्छी बात की, सामंजस्य की बात की थी, पहली बार कि माँ की आराधना है, इसमें कष्ट की बात कहां से आ जाती है, प्रॉब्लम की बात कहां से आ जाती है। और अगर मान लिया प्रॉब्लम आएगी भी तो उस प्रॉब्लम से हमें निकालेगा कौन? हम तो खुद निकलेंगे नहीं, निकालने वाली कौन है? माता। तो माता है तो माता क्या कष्ट दे करके जाएंगी? या बच्चों मैं अभी जा रही हूं, अब तुम लोग भोगो, कष्ट भोगो, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी गलत नहीं कहते। वेद तो सीधे कहता है, एमन तुम मत डर, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य और चंद्र नहीं डरा करते, एमन तुम मत डर जैसे प्रातः और सायं नहीं डरा करते और अपने समय अनुसार आते और जाते। तो इसी तरह ऐ भक्त ऐ साधक, तू इन पचड़ों में मत पड़ कि माँ किस वाहन पर आ रही है और किस वाहन पर जा रही है और उसका क्या प्रतिफल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल क्या प्राप्त होने जा रहा है, इसकी चिंता कर और इस भाव से माँ की आराधना कर, तू अवश्य सिद्ध को प्राप्त करेगा और जो तुझे चाहिए वही प्राप्त होगा। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा व्रत करने वालों के लिए। व्रत करने वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, दिन भर कौन सा मंत्र बोले कि माँ खुश रहे, नेगेटिव चीजों से कैसे दूर रहें, इस तरह की बहुत तरह की सवाल जो है लोगों के अंदर आती है, दिन में सोएं या ना सोएं, कहीं माँ रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी, जो जनरली हम घरों में देखते हैं या जो व्रत करने वाले लोग महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, ऐसे सवाल मैंने उनके मुँह से सुने हैं कि क्या सेंधा नमक खाऊं, ये नमक खाऊं, मैं फलहार खरू, मैं निर्जला, ऐसा सुनने में आता है, कैसे करें वन? अच्छा, एक बात बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं? जी। तो आप बताइए, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, भोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं? छह। जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, विटामिन एंड वाटर, यही है ना। आप कुछ भी भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या खाएंगे, यही खाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ऑर्गेनिक मटेरियल, विटामिन एंड वाटर, यही खाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ खाएंगे। अब है कि क्या खाएं, हम सात्विक भोजन करें, वो सात्विक भोजन कुछ भी हो सकता है। सात्विक भोजन क्या है भाई? तो सात्विक भोजन वह है जिसमें हिंसा का प्रयोग न हुआ। सात्विक भोजन वह है जिसको देखकर ही हम
हमारा हृदय क्या होता है, खिल उठता हो, मन प्रसन्न हो जाता हो। हमारे यहाँ भोजन पर भी काफी फोकस किया गया कि हमारा भोजन कैसा हो। कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो अन्न की प्रधानता है, लेकिन कैसा अन्न, सात्विक अन्न। अब आपके पास पैसे हैं तो आप अखरोट खा करके करिए, कहाँ कोई दिक्कत है। पिस्ता बादाम ले लीजिए, बाजार में 800-900 रुपए किलो चल रहा है, तो खाइए, उससे पूजा करिए, कहाँ दिक्कत है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ से अखरोट पिस्ता बादाम खाएगा। सवाल यही है सर। अब ये बताइए, किसी के पास भगवान ने दे दिया है बहुत अफरात पैसा, वो रोज जा करके फल उठाएगा, विदेशी फल भी उठा करके खाएगा और व्रत रखेगा। किसी के पास वो भी नहीं है, कुछ लोग केवल 9 दिन सीधे उपवास रह जाएंगे, कितने लोग सीधे केवल जल पर ही रह जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे योगी हैं जो हठ योग पर ध्यान देकर के हठ के द्वारा आराधना करते हैं। इसमें कहीं कोई बाधाएं भी नहीं, दिक्कत भी नहीं, जिसको जैसे। कितने लोग क्या करते हैं कि एक टाइम भोजन करते हैं, उसमें सात्विक भोजन लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित रखते हैं। तो देखिए, भोजन करके व्रत रखना या फल पर रहना, ये आपका अपना जो है वो है, इसमें कहीं कुछ रुकावटें नहीं है। आपका शरीर क्या कह रहा है और आपका पॉकेट क्या कह रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड्स है। अगर आपका पॉकेट कह रहा है कि हम फल पर करेंगे या खरोट पिस्ता बादाम खाकर करिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास नहीं है तो जैसे भी करेगा माँ उससे खुश होंगी। अब जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इसको और बढ़िया से समझिए। छठ होता है ना, तो आप देखते हैं कोई सोना का सूप, कोई चांदी का सूप, कोई बांस का सूप लेकर के जो है अर्घ देता है। तो जिसकी जैसी शक्ति रही वैसा प्रदर्शन किया, और जिसके पास नहीं है वो एक लोटा जल लेकर के ही वो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देगा, तो क्या उसका अर्घ स्वीकार नहीं होगा क्या? अरे भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति को पहचानने की आवश्यकता है। हमारे यहां कहीं भी धन की प्रधानता नहीं है, हमारे यहां कहीं भी धन की प्रधानता नहीं है। अगर धन की प्रधानता होती तो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि होते उनके पास, सबके पास जो है ना, महाराजा दशरथ की तरफ बंगला होता, महल होता। लेकिन वशिष्ठ जी, विश्वामित्र सब कहां रहे हैं? साधारण सी कुटियों में रहे हैं। तो अगर आप साधक हैं, अगर आप भक्त हैं, तो आप अपने धन का प्रदर्शन ना करें, माना राज हो जाएंगे। आप अपने भाव का प्रदर्शन करें, और भाव का भी प्रदर्शन नहीं होता, भाव तो परिलक्षित हो जाता है। मां तार लेती हैं कि आज रानी ने हमारे पूजा किस भाव से की है, उनसे आप बच नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब समझ रही है? तो इसीलिए भोजन सात्विक हो, आपका वो पॉकेट कितना जवाब दे रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसको देखते हुए अपना करिए। और सबसे अच्छा रहे कि आप अपने भाव को अभिव्यक्त करिए। माँ ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम अखरोट या पिस्ता या बादाम खा करके तुम करोगे तो हम, मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी। माँ ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम जो है ये फल खाकर करोगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी। माँ तो सीधे देखती है कि उसके अंदर भाव क्या रहा। तभी तो जगत गुरु शंकराचार्य पर माँ ने कृपा कर दी, और उसमें भी कब, केवल नमंत्रम नो यंत्रम कह देने से। तो इसलिए याद रखिए, माँ की आराधना में कभी भी अपने धन का प्रदर्शन मत करिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन मत करिए, वो तो खुद ही शक्ति की अधिष्ठात्री है। अपने भाव का भी प्रदर्शन मत करिए, अपने भाव को प्रकट कीजिए,
अपने आप पता लग जाएगा माँ को कि किस भाव से आपने किया, और जिस भाव से आप व्रत रखेंगे वो भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अंततः मैं आपको कुल मिलाकर यही कहूँगा कि ये मौका जाने मत दीजिए। माँ की आराधना का समय है, शारदीय नवरात्र का समय है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो ये मौका आपके पास आ चुका है प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता देने वाली हैं कौन? माँ। हाँ, तो आप कौन से सिद्धियों को प्राप्त करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आपके सामने है? सिद्धि की बात की आपने तो फिर एक सवाल आ रहा मन में कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हम, समझ जाते कि धन की देवी हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो विद्या चाहिए, हनुमान की पूजा करनी चाहिए, यश चाहिए, बल चाहिए, आदि शक्ति की पूजा क्यों, शक्ति का शक्ति की आराधना क्यों, क्यों शक्ति की पूजा करनी चाहिए? अगर आप शक्ति की पूजा नहीं करेंगे तो जो बोल रही है ना वो बोलना बंद हो जाएगा, वो प्राण शक्ति वही देती है, आत्मा में बल वही भरती है, शरीर में बल वही भरती है, और जो भी चीज जो आप करती हैं उसमें शक्ति का प्रयोग होता ही है। बिना शक्ति के आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको चलना भी होगा तो उसमें भी शक्ति चाहिए, आपको देखना भी होगा उसमें भी शक्ति का चाहिए, आपको कुछ लिखना होगा उसमें भी शक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए शक्ति की उपासना प्रत्येक को करनी चाहिए, और शक्ति देने वाली एक ही जगदम्बा है, दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए उसकी आराधना हर हाल में करनी चाहिए। अगर आप शक्ति की आराधना नहीं करते हैं तो आप विजय नहीं हो पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए रामचंद्र जी ने भी शक्ति की आराधना की थी, तब वो रावण पर विजय प्राप्त किए थे, है ना? इसीलिए जगदम्बा के बिना तो किसी का कल्याण ही नहीं है, किसी का कल्याण नहीं है। खुद जो शिव है वो शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं, तो इसीलिए शक्ति बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूं उसमें भी शक्ति का मैं प्रयोग कर रहा हूं। हम मैं कहां से बोल रहा हूं, वो आवाज कहां से निकल रही है, ये जो ऊर्जा जो प्राप्त हमें हो रहा है वो कहां से आ रही है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहां से आ रही है, वो देने वाला कौन है? इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवे अध्याय में मां के कई जो रूप हैं, अब देखिए यहां पर शक्ति रूपेण हो गया, मातृ रूपेण है, भ्रांति रूपेण है, बुद्धि रूपेण है, हर रूप में है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण को हो जाता है शक्ति रूपेण संस्थिता। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए लोग शक्ति की अधिष्ठात्री माँ की आराधना करते हैं।